afternoon. हाँ afternoon क्योंकि अभी ढाई बज रहे हैं almost और हम लोग अभी lunch करेंगे और आज है 9 तारीख मतलब 9th of December और कल हमारा anniversary है I mean 10th of December को तो कल है anniversary but हम लोग आज से ही celebrate करना start कर दिया है हम लोगों ने तो इसीलिए आज थोड़ा सा special वाला menu बना है जो कि मैंने नहीं बनाया है एक तो जो मटन बना है वो बनाया है मेरे पति देव ने शादी खाती हूँ देखो ये रहा मटन अभी गरम करने के लिए बैठा है मम्मी जी ने और ये रहा फ्राइड राइस ये रहा फ्राइड राइस जो बनाया है मम्मी जी ने और मैंने बनाया है सबसे टफ वाला चीज सबसे टफ खाना वो है दिस वन सलाद अच्छा बनाया ना मतलब सजाया है ना तो वो मैंने बनाया है और मेरे पति देव ने बनाया है थोड़ा सा मटन एक छिछोड़ा आदमी है हमारे घर में जो मतलब कपड़े नहीं पहनता है एक तो मेरे स्कर्ट पहनता है या फिर हॉट पैंट क्या बताए और ऊपर क्या बोलते हैं उसे शैंडो गेंजी वो पहनता है और घूमता रहता है वो एक है और एक ये भी है जो कभी मतलब घर पे तो शर्ट वर्ट शर्ट तो छोड़ो टी शर्ट भी नहीं पहनता है बट आज पता है इसको कि मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ इसीलिए शर्ट पहन लिया है नहाने के बाद ही तो जो भी है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हाँ छोटा सा होगा बट होगा कुछ ना कुछ स्पेशल और इसे देखो सच सच क्या आया वीडियो में आने के लिए नीचे जाओ यार थोड़ा सा कैमरा नीचे करो अच्छा कॉम्बिनेशन है और अभी मम्मी जी खाना परोस रही है आज डिलीशियस खाना बनाया है क्योंकि आज संडे है तो सब घर में है बट कल तो मंडे है और जिसकी शादी थी मतलब जिसका एनिवर्सरी है उसने छुट्टी भी नहीं लिया है तो ऑफिस भी जाएंगे काम भी करेंगे तो कैसे सेलिब्रेट होगा पता नहीं कल का कुछ भी प्लान नहीं है और तो इसीलिए आज थोड़ा सा खाना वाना खा लेते हैं घर पे फिर देखते हैं कल क्या होता है बट बहुत कुछ तैयारी किया है मतलब आज के लिए क्योंकि आज 10 बजे नहीं क्योंकि आज 12 बजे रात को 10th ऑफ दिसंबर मतलब हो जाएगा सो आई एम वेरी एक्साइटेड देखते हैं बट जो भी करूँगी आप लोगों को दिखाऊंगी सो स्टे ट्यून्ड क्योंकि आज हमारा मतलब कल हमारा फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है कैन यू इमेजिन मतलब पता ही नहीं चला कैसे एक साल बीत गया मतलब अभी तो शादी हुआ था लग रहा है कि एक साल हो चुका है जस्ट अनइमेजिनेबल सेलिब्रेशन होगा हम दोनों चाहते थे ये सेलिब्रेशन बहुत ही इंटीमेट सा रोमांटिक सा एक डे बने तो ये बेडशीट मैंने लगा दिया है एक्चुअली ये बेडशीट हमारे शादी का है मतलब बंगाली में बोलते हैं भूल चोट जा तो उस दिन के लिए मम्मी जी ने खरीदा था तो उस दिन ही सिर्फ ये बेडशीट लगाया हुआ था उसके बाद से हम लोगों ने मतलब मैंने नहीं लगाया क्योंकि इतना खूबसूरत बेडशीट है तो ऐसे वैसे मतलब हर रोज़ कैसे लगाए एकदम वेलवेटी है बहुत खूबसूरत है और बहुत भारी भी है इसके चारों तरफ देखो और एक डिज़ाइन है
तो बहुत खूबसूरत है। तो मैंने सोचा था कि आज के दिन ज़रूर मैं लगाऊंगी, मतलब आज और कल। तो लगा दिया है बेडशीट और मेरे पति देव अभी पराठे बना रहे हैं, दिखाती हूँ। দেখো ঠিক আছে, তোমরা একটু বলো হ্যাপি অ্যানিভার্সারি। थैंक यू जिन लोगों ने मुझे
विश किया है, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और उसके पास में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाना, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं फिर मिलती हूँ मेरी और वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।